देखो मैंने फैसला कर लिया कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। नहीं मगर मैंने ऐसा क्या कर दिया, गलती क्या हुई है मुझसे? जिसके भाई ने उस पर भरोसा नहीं किया, जिसने अपने आशिक को छोड़ दिया, अपने भाई की पसंद से शादी कर ली, उसे मैं कैसे भरोसा कर सकता हूँ? और मुझे लगता है कि तुम और तुम्हारे घर वाले ना कोई बात छुपा रहे हो मुझसे। यकीनन तुम में कोई खोट है, बस मैं नहीं रह सकता। अगर आप मेरे साथ खुश नहीं हो तो आप बेशक दूसरी शादी कर ले, मैं आपको मना नहीं करूंगी, लेकिन प्लीज मुझे इस घर से जाने के लिए मत कहे, मुझे और परेशान मत करे। नहीं यार, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा? यही रुको, कौन है? सासू मां, आइए आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए ना, आइए। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो मेरा बच्चा। आप सोच रही होंगी ये सब क्या है, मैं अभी इसे यही समझा रहा था कि अभी एक दिन हुआ नहीं शादी को, नई नवेली दुल्हन हूँ, अभी से ये काम शुरू कर दिए, ये सब छोड़ो ये सब। अरे अपनी अम्मी को धूप में खड़ा रखोगी क्या? हाँ अंदर लेके चलो, अंदर लेके चलो। जी मैं समोसे वगैरह लेके आता हूँ। आई अम्मी। आई ऐसे मत देखें आपा, मैं फैसला कर चुकी हूँ। मुझसे सलाह मशवरा किए बगैर ही माजब ही। पापा कुछ फैसले इंसान को खुद ही करने चाहिए। जब से तुमने खुद से फैसले करने शुरू किए तुम सिर्फ नुकसान ही उठा रही हो माजबीन। जी आपा, क्योंकि मुझमें वाकई समझ नहीं है, मैं लोगों को पहचान ही नहीं पाती हूँ, लेकिन मैं जो भी करती हूँ सच्चे दिल से, अच्छी नीयत से करती हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जायद के मामले में तुम इस कदर जज्बाती क्यों हो रही हो, जबकि तुम जानती हो कि तुम्हारा और उसका रिश्ता सिर्फ और सिर्फ एक समझौता था। लेकिन मैंने ऐसा नहीं सोचा था ना आपा, मैं एक बार फिर इस दुनिया और इसके लोगों पर भरोसा करना चाहती हूँ।